गुड मॉर्निंग गाइस, जय माता दी, हैप्पी धनतेरस आप सभी सभी को और सारे परिवार को। तो गाइस आज मैं आया था झंडे वाले मंदिर, मैंने सुबह धनतेरस पहले मंदिर के दर्शन करते हैं। तो गाइस अभी मार्केट भी जाना है, तो मूर्ति उर्ती लेंगे अभी गणेश लक्ष्मी जी, तो आपको दिखाते हैं पूरा, आप पूरी मार्केट दिखाएंगे आपको लक्ष्मी गणेश जी कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे सही बेस्ट प्राइस में मिल जाएंगे, कहाँ पे बढ़िया मिलते हैं। तो बाकी अभी झंडे वाले मंदिर आए तो मैं आपको भी माता रानी के दर्शन करवाता हूँ, तो अभी आपको दिखाता हूँ, मैं चलता हूँ पर माता रानी के दर्शन करवाने। तो गाइस अभी मार्केट भी चलेंगे तो फिर देखेंगे वहाँ पे क्या क्या मिलता है, मूर्ति लेनी है गणेश जी लक्ष्मी जी, बाकी फिर चलेंगे अपना। गाइस अब माता रानी का टीका लग चुका है तो मैं आपको दर्शन कराता हूँ माता रानी के। जयकारा मां झंडे वाली का बोल साजे दरबार। रैन फ्रेश भी घूम रहे थे, थोड़ी शॉपिंग कर लेते पहले, फिर गणेश लक्ष्मी जी दिन लेने भी जाने, तो अभी मैं आपको मार्केट आए रैन फ्रेश ये डब्बे लिए। तो गाइस बाकी हो रही है बहुत सारी वैरायटी लगी हुई है, सारे अलग अलग प्राइस है, कोई 500 के है, कोई 400 के है, कोई 300 रुपये का डब्बा है। तो गाइस ऐसे तो हम कल ले गए थे शॉपिंग, हमने कल कर ली थी आधी, तो थोड़ी बहुत और हमने डब्बे खरीद लेते। तो गाइस अब हम आ चुके हैं पहाड़ी धीरज सदर बाजार, जहाँ पे सारी मूर्ति वूर्ति मिलती है, तो आपको दिखाते हैं मूर्ति के प्राइस क्या क्या है, आपको दिखाते हैं मूर्ति के अलग अलग प्राइस है कितने कितने की है। भैया कितने की है? तो गाइस आप देख सकते हैं 250 के हैं गणेश लक्ष्मी जी, बाकी ऊपर जो जितने भी है सारे 350 कोई 450 के, अलग अलग मतलब प्राइस है यहाँ पे ना, सस्ते भी है महंगे भी है। भैया महंगे वो महंगे कहाँ के होते हैं भैया? हाँ गाइस तो कलकत्ता के सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं, कलकत्ता के आप मान के चलो 300-400 रुपये से स्टार्टिंग चालू है, उसका माल अच्छा होता है कलकत्ता का ना। तो गाइस आपको आगे भी दिखाते हैं। गाइस बारिश में थोड़ा कीचड़ भी ज़्यादा हो गया मार्केट में, तो बाकी अलग अलग प्राइस है और देखते हैं दुकानों में कितने कितने के। गाइस अभी और भी देखते हैं यहाँ पे भी ना कितने के, कितने के भाव जी ये कौन से भाई साहब? ये वाले ये 350 रुपये। तो गाइस ये 350 रुपये के, 350 रुपये ये कलकत्ता का माल होगा, कलकत्ता सारा ही कलकत्ता। तो गाइस कलकत्ता का अंकल बता रहे सारे बेस्ट प्राइस होता है कलकत्ता का माल का, और ये नीचे जो बाबूजी ये थोड़े सस्ते होते होंगे, ये 200 रुपए, 120 100 रुपए, 80 रुपए। अच्छा तो गाइस आप देख सकते हैं 80 रुपए से चालू है वैरायटी, 100 रुपए 350 400 500 तक जाती है वैरायटी, जितना मतलब अच्छे लेंगे तो गणेश लक्ष्मी जी तो उससे अच्छे अच्छे आते रहते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कितनी सारी वैरायटी लगी है। ये क्या ले रही है बोला बहन, क्या देख रही है? ये हट्टी है, कितने की है? 150 रुपये। ये महंगा होगा, ये कितने का भैया? 120 का है, 100 रुपये लगा, 120 का 100 रुपये लगा लेंगे। मार्गेनिंग भी हो रही है बहुत बढ़िया अभी। तो गाइस यहाँ पे है सब कुछ, तो गाइस आप मार्केट में देखते हैं अलग अलग वैरायटी। हाँ तो गाइस अंकल से पूछ रहे थे कितने रुपए का, एक बार अंकल बताएंगे, अंकल जी एक बार बताना कितने कितने रुपए के अलग अलग प्राइस। ये राम दरबार है बेटा 250 का। अच्छा ये 1000 रुपए की मूर्ति है, ये 500 रुपए की है। अच्छा ये 500 रुपए की, ये 400 रुपए, 400 रुपए। अच्छा वैरायटी है सारी, और नीचे जितने भी मतलब ये नीचे सस्ती वाली है, 100 की है, 150 की है, 200 की है। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया भाऊ जी। तो गाइस अब भैया की दुकान पे आए तो भैया से पूछते क्या क्या रेट है, एक बार बताएंगे भैया, भैया एक बार बता देंगे भैया कितने रुपए का प्राइस है ये। तो गाइस आप देख सकते हैं 50 रुपए से गणेश लक्ष्मी जी चालू है, और अलग अलग वैरायटी है, कोई 50 का है, कोई 50 का, कोई 60 रुपए, कोई 70 रुपए, कोई 80 रुपए, बाकी अलग अलग प्राइस है, कोई 200 रुपए का है, कोई ये है। तो गाइस मेरे को ये वाले पसंद आया है, देखो मैं सोच रहा हूँ ये वाले ले लूँ, बाकी बहुत सारी वैरायटी भी लगी हुई है, अलग अलग मूर्तियों के प्राइस है सारे। भैया से पूछे ले लिए गणेश लक्ष्मी जी, ये भाई भैया ने मेरे को 200 रुपये दिया था कलकत्ता का माल,
तुमने ले लिया तो भाई चलते अब आगे। ठीक है भैया, थैंक यू। तो गाइस हमने गणेश जी लक्ष्मी जी यहाँ से भी लिए, एक हमने ये वाला पीस ले लिया यहाँ से, और बाकी हमने ऊपर ये वाले भी लिए। तो बाकी क्या ले लिए? एक तो ये वाला पीस ले लिया, एक छोटा लक्ष्मी गणेश लिया, ठीक है, बड़ा लिया आपने। हाँ जी, दो दो डब्बे लिए आपने, दो डब्बे और एक डब्बा आपने छोटा लिया है। तो गाइस हमने 5 लक्ष्मी गणेश जी लेने हैं, तो हमारे भाई ने भी मंगाया था तो हमने उनके लिए भी ले लिए, बाकी हमने मैंने ऑफिस के लिए भी लिए और हमारी बुआ ने भी मंगाया था। तो गाइस हम पूरी शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पे बढ़िया करके, और अंकल जी की दुकान है यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छे प्राइस में अंकल जी ने हमारे को दिया है, मैं कोई मार के नहीं। और अंकल जी अगर बताएंगे कहाँ पे आपकी शॉप, जो तेलीवाड़ा है आपके यहाँ पे, जो कौन सा बैंक है? तो गाइस यहाँ पे ना यूनियन बैंक है अपना यहाँ पे सदर में, तो उनके पास में ये यहाँ पे यूनियन बैंक है। तो यहाँ पे अंकल जी ने दुकान लगाई हुई अपनी, ये जैन अपना ये है, तो उसके पास में ही है, तो मतलब बेस्ट प्राइस ये है, मतलब कोई मतलब अंकल को बोलेंगे ना 400 रुपये, तो अंकल जी 350 में 450 में दे देंगे। बाकी अंकल जी ने हमारे को बहुत सारी वैरायटी दिखाई है गाइस, तो मतलब ये नहीं है अंकल जी, ये जो भी आएगा तो वैरायटी बहुत सारी दिखाएंगे, तो मतलब दिक्कत नहीं है, मतलब सारी वैरायटी दिखा रहे के करके। बाकी पल्लवी बहन ले रही है, शॉपिंग कर रही है, अंकल जी ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी हमारे लिए, पूरी मूर्ति दिखाई है एक एक करके। बाकी आप देख सकते हैं मार्केट में अभी भी भीड़ हो गई है चालू, सुबह का टाइम है, 11:30 बज चुके हैं। ऐसे थोड़ी शॉपिंग करी थी भैया, कितने का एक पैदान? भैया 50 रुपये का एक है, 50 रुपये का चार, 100 रुपये के चार है, 50 रुपये का एक है। तो गाइस आप देख सकते हैं, तो हमने भैया से ले लिए, थोड़ी शॉपिंग कर ली है, ये हट्टी लिए घर के लिए। कितने की दी है अंकल जी आपने? कितने की? 80 रुपये। तो गाइस 120 रुपये की थी, भैया ने 80 रुपये की दे दी है। तो सदर में मार्केटिंग यार बहुत अच्छी होती है, मतलब कम प्राइस में भी मिल जाता है सामान। तो गाइस कल भी शॉपिंग कर ली थी, बाकी कल शॉपिंग करे आए थे, तो थोड़ी बहुत आज शॉपिंग कर ली, आप देख सकते हैं यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है।